श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 29वां अध्याय श्लोक क्रमांक पहला। श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्री भगवान पिता रात्री शारदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुप्राशित योगमायामुप्राशित श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्री शारदो फुल्ल मल्लिका विश्यरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुप्राशित श्री बाजरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका शरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। अनुवाद इस प्रकार है। श्री बादराय ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार और मुक्ति की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। रूपा जी ने बड़ा ही सुंदर तात्पर्य इस श्लोक पर लिखा है, आप स्वयं पढ़ सकते हो। तो यहां पर श्री बादरायणी उवाच मतलब भगवान सुखदेव के लिए ही बात हो रही है। सुखदेव जी का एक नाम बादरायणी भी है। तो एक दो दिन में शरद पूर्णिमा आ रही है और उसी शरद पूर्णिमा के दिन परम पवित्र श्री कार्तिक मास दामोदर मास का भी प्रारंभ हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन के अंदर कई मंदिरों में कल जो एकादशी गई, उसी एकादशी के दिन से ही
दीपदान महोत्सव शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे गौड़ीय परंपरा श्री प्रभुपाद जी प्रणाली स्कंद के अंदर हम पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करते हैं, जो एक महीना तक ये उत्सव चलता है। इस कार्तिक मास में और उसमें भी श्रीधाम वृंदावन की भगवान की पवित्र लीला कथा को सुनना और उसके अंदर अपने मन को प्रवेश करके रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की जीव पर बहुत बड़ी कृपा है और उसी कृपा का ये प्रसाद है कि हमें संतों के सानिध्य में इस कार्तिक पवित्र मास के अंदर भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध श्री वृंदावन लीला का कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा सर्वकाल के लिए, जीवों के लिए सर्वदा सुमंगल है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय पर ये जीव को फल प्रदान करती, नहीं, कथा सर्वदा सुमंगल एव। भगवान श्री हरि की कथा सभी काल के लिए जीव कल्याण को ही करने वाली है, लेकिन फिर भी विशेष समय पर विशेष वस्तु विशेष फल को प्रदान करती है। तो विशेष श्री दामोदर मास के अंदर ये हरि कथा जो जीव को हर समय आस्वादन तो कराती है, लेकिन दामोदर मास के अंदर यही हरि कथा आस्वादन के साथ साथ उपासना का रूप ले लेती है, क्योंकि काल के समय के अनुसार कार्तिक मास के अंदर कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ सेवा के अंतर्गत साधक अपनी साधना भक्ति में लगता है, बाकी अन्य चलता है, लेकिन कुछ कुछ करना है। कार्तिक मास के भीतर अलग अलग भक्त लोग अपना नियम साधना बनाते हैं, तो उसी नियम के चलते हुए ये हरि कथा आस्वादन के साथ साथ साधक के अंदर एक उपासना का स्वरूप धारण कर लेती है। और यही हरि कथा जीव को परमात्मा से मिलाने का सुलभ संयोग भी है। तो जो हमारे पास समय है, मैं तो 9 में 5 बाकी अतिथियां भी गयो, तो पण देश का समय अनुसार अपना हाथ की बात नहीं, बदा कालना अधीन बंधायेला है। जे भगवान स्मरण करावे ज्यां सुधी चाले, तो देखो वैदिक शास्त्रों के अंदर 18 पुराण है, और उस 18 पुराण का प्राण यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसी श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12 स्कंद है, और उस 12 स्कंद का यदि कोई प्राण है तो वो है दशम स्कंद, और इसी दशम स्कंद के अंदर 90 अध्याय है, और उस 90 अध्याय का कोई प्राण है तो केवल 5 अध्याय, जिसे सुखदेव ने और सभी शास्त्रों के अंदर जिसको रास पंचायत अध्याय से कहा जाता है। तो ऐसे प्राण जो है भागवत का, जैसे शरीर के अंदर भी 5 प्रकार के प्राण, वैसे तो 10 प्रकार के प्राण है शरीर के अंदर, योग पद्धति मुदा भी मुका यदि आप जानते हो थोड़ा अभ्यास है तो, लेकिन उस 10 के अंदर भी कुछ 5 प्राण जिसको कहते हैं, देह जिसके कारण चलता है, प्राण अपान व्याम, ये सब 10 प्रकार के हैं, उसमें 5 मुख्य है। उसी तरह इस 5 जो है अध्याय है वो श्रीमद् भागवत के 5 प्राण के रूप में कहे गए, और उसमें भी ये महाराज प्रसंग जो है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सर्वोत्र एक सोपान है, जहां पर भगवान सामने से बुला रहे हैं, बाकी अन्य अध्यायों से अलग है महारास लीला, जहां पर भगवान अपिता रात्रि आएगा कुछ व्याख्या करेंगे, सामने से जीव को न्योता दे रहे, आओ आप मेरे पास आओ, मतलब दूसरे शब्दों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एक सर्वत्र रस है। और जैसे 5 अध्याय रास पंचायत है, उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 5 गीत भी है, दशम स्कंद के भीतर 5 गीत भी है,
आप अभ्यास रखे हो उसका, यदि किसी को पूछा जाए पांच गीत के नाम बताओ, कौन बता सकता है? कौन से बाकी के दूसरे लोग बोलेंगे? माताओं में कोई? देखो भागवत को इतने समय से हम सुन रहे हैं, भागवत रस है, भागवत के रस शास्त्र को हम गोता लगाते हैं, यही तो ये कुछ प्रवचन तार्किक होते हैं, कुछ होते हैं स्मरण चिंतन बढ़ाने वाले, और ये जो है स्मरण चिंतन बढ़ाएगा, जैसे जैसे क्लास के अंदर इस तरह चलता है, विद्यार्थी को पूछा है मतलब याद रह जाए, ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा ली जा रही, प्रेम से आनंद से आप सुने होगे, पता भी होगा, घनी वर्ग में कह सो के भैये से पर गोठिया होती है, गुजराती में फेमस शब्द हो, पर हैया में रही न जाए इन्हें वोट पर लावता शीख जो प्रभुपाद प्रणाली नहीं अंदर, क्योंकि नित्यम भागवत से लिया, यही तो है स्मरण चिंतन। तो पांच रस तत्व है, पांच गीत है, जिसमें पहला है वेणु गीत, दूसरा युगल गीत, तीसरा गोपी गीत, और चौथा है प्रणय गीत, और पांचवा भ्रमर, पांचवा है भ्रमर गीत। रे याद रहा पहलो, बीजो युगल, त्रीजो प्रणय, लाइन की जरूरत नहीं तमता, आम ते मैं बोली ना, पर पांच याद रह जाए, ये पांच प्राण है हमारे, परमात्मा को यदि मिलना है इस शरीर से तो ये पांच गीत, भागवत का जिस प्रकार प्राण है उसी तरह एक साधक का भी ये रस प्राण है। अब ये कहां कहां है वेणु गीत दशम स्कंध के अंदर, उसमें थोड़ा और अंदर जाओ तो दशम स्कंध के अंदर वेणु गीत आपको मिलेगा अध्याय 21 वेणु गीत, और प्रणय गीत आपको उसी दशम स्कंध के अंदर 29वें अध्याय, जो आज का हमारा अध्याय है, उसी 29वें अध्याय के अंदर श्लोक क्रमांक 31 से 41, ये 10 श्लोक जो है वो प्रणय गीत के विषय में गाए गए, और उसके बाद वाला जो गोपी गीत कौन से अध्याय में है? राधे राधे 31 नंबर का अध्याय, लेकिन आता दिन मैं बोल ही पहला कई देशों है वोटे नो, और उसके बाद है युगल गीत जो भागवत के अंदर 35वां अध्याय, और भ्रमर जहां पर उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, श्रीमद् भागवत का 47 अध्याय दशम स्कंध के अंदर, ये सब दशम स्कंध की बात हो रही है। तो इस तरह ये पांच गीत भी है भागवत के अंदर। अब देखो हम जिसकी यहां पर आज चर्चा करने बैठे हैं, शरद पूर्णिमा एक दो दिन के बाद आ रहा है, उस शरद पूर्णिमा के दिन हुआ क्या? तो भगवान जो ऐसी लीलाएं करते हैं, मतलब भक्त जो है हमारा सबका प्रणाली है गोपी भाव में प्राप्त कर भगवान का भजन करना, अपने आप को गोपी भर्ती मतलब कमलियों दास दासानु प्रणाली के अंदर स्थित करते हुए कृष्ण उपासना करते हुए युगल सरकार के यहां पहुंचना, ये हमारी साधन भक्ति का भाव है। तो साधन भक्ति के भाव के अंदर गोपियों को समझने के लिए गोपियों ने भगवान के क्या लीला प्रदान की, उस लीला रस को पूर्ति करने के लिए भगवान ऐसी लीला गोपियों के साथ किए, क्योंकि जो भक्त साधन के बल पर गुरु कृष्ण कृपा के बल पर इस गोपी भाव को पकड़ लेता है, उस गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए कृष्ण आशक्त हो जाते, इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। यदि ये रास लीला रूपा जी इस तात्पर्य में लिखे है उसी को आधार लेते हुए कहते हैं कि यदि ये रासलीला मानो प्राकृत अथवा काम को उत्पन्न करने वाली होती, भगवान जो गोपियों के साथ रासलीला किए, ये रास यदि जगत के अंदर प्राकृत या फिर जीवों के अंदर काम को प्रकट करने वाली होती तो महामुनि सुखदेव जिसको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, कौन स्त्री क्या पुरुष जिसके लिए कुछ नहीं, सबको एक समान देखने वाले विरक्त चूड़ामणि श्री राधा रानी के उपासक श्री सुखदेव गोस्वामी उस परीक्षित की सभा में जहां पर वेदवर्षि महा वेदव्यास बैठे हैं, राजर्षि बैठे हैं, देवर्षि बैठे हैं, महर्षि बैठे हैं, पूरे संसार के जो भी बड़े बड़े महात्मा लोग थे अपने शिष्यों के साथ उस परीक्षित की सभा में बैठे हैं जहां पर ये भागवत सुनाया जा रहा है, और वक्ता कुछ नहीं पहना अपने
श्री अंगपर दिगंबर, जिसको पता ही नहीं हो क्या है। लीला शुकोशो वृषभानु जाया, वृषभानु का जो एक सुंदर पोपट के रूप में ये भागवत गाने वाले सुखदेव उस सभा में ऐसी चर्चा क्यों करते यदि ये प्राकृत या काम उत्पन्न करने वाले होती। किसी अध्याय को अंत करते हुए रास पंचायत जब समाप्त होता है तब यही सुखदेव गोस्वामी इस रास पंचायत ये पांचों अध्याय का सार बताते हुए कहते हैं कि विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धानि तोनु श्रुणुयाद वृष्य। दशम स्कंध के अंदर 33वां अध्याय 39 नंबर के श्लोक में सुखदेव स्वयं कहते हैं कि ये जो प्रसंग है जहां पर कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ उनको बुलाकर जो ये रास लीला जो किए है यदि इसको कोई बोलता है, इसका यदि कोई श्रवण करता है तो वो संसार के अंदर जो उसके हृदय में ये काम वासना लगे है ना उससे वो निरुक्त हो जाएगा, उससे हृदय से काम रोग चला जाएगा। यदि कोई इसको समझता है, इसको सुनता है, इसको बोलता है, मानो सुखदेव जी इस पर हंसता है, क्या करते अपनी सिग्नेचर वेरीफाइज कर रहे हैं कि आप इसको पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, स्मरण कर सकते हो, बाकी नहीं समझने वाले नहीं बोलना चाहिए। राधे राधे। तब सुखदेव जी बता रहे हैं कि इसका फल क्या है और प्रमाण दे रहे हैं कि यदि ये नहीं बोला जाता तो मैं बोलता क्यों, और इस पर आचार्य ने कितनी टीकाएं भी लिखी है। तो ऐसे सुखदेव जी के इस शब्द को जहां पर ये इस प्रसंग का फल बताते हैं उसी को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए नदिया के अंदर तब अपनी जब ये दक्षिण भारत यात्रा चल रहे थे तब प्रद्युम्न मिश्र के साथ मिले तब राय रामानंद को याद करते हुए उस प्रद्युम्न मिश्र के सामने स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक बोले है इसका फल क्या है इस रासलीला का उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रजवधु संगे कृष्ण रासादी विलास जिहा कहे सुन करिया विश्वास। महाप्रभु जी अगर अमर वाक्य है कि ब्रज वधु संगे उस ब्रज वनिताओं के साथ कृष्ण रास आदि जो विलास किया था जिहा कहे सुन जो इसको बोलता है इसको सुनता है वो अवश्य इस पर विश्वास करता है। हृदय रोग काम तार तत्काल हयश्य यही तो हम चाहते कि हृदय के अंदर से कामना चली जाए, ये लोभ चला जाए, ये मोह चला जाए, ये संसार निरक्त हो जाए। इसी का महाप्रभु उद्देश्य कर रहे हैं कि हृदय रोग कामदार तत्काल यशय तीन गुण शोभनाई महाधीर है। प्रकृति की जो तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इससे उत्पन्न वाला इससे उत्पन्न होने वाले काम भी उस व्यक्ति को कुछ कर नहीं पाते जो इस लीला प्रसंग को अवश्य सुन लेता है या समझ लेता है। उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति शी पाए आनंद कृष्ण माधुर विरह रसदार। अपने आप में उज्ज्वल जो रस भक्ति है उसको प्राप्त करते हुए आनंद के अंदर कृष्ण माधुर्य का चिंतन करते हुए सदा भक्ति राज्य में विहार करता है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस राष्ट्र लीला के अध्याय को कुछ चरितामृत में भी लिखे हैं। तो ऐसे चैतन्य अब देखो रूप गोस्वामी ये अपने सुखदेव के शब्दों का आधार कविराज जी ने चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से रखा। अब इसी चैतन्य महाप्रभु के जो शब्द है उसका आधार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ले रहे हैं। कहां से कहां लिंक जा रही है? ये जो लीला है उसका फल क्या है? सुखदेव ने गाया, चैतन्य महाप्रभु ने गाया। अब इस दोनों का आश्रय लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखे हैं 10-33-39 नंबर की श्लोक की टीका में। वो कहते हैं कि ये भगवान की जो रास लीला है सभी लीला में सर्वश्रेष्ठ है और फलस्वरूप इतना फल इसका है कि व्यक्ति का चित्त जो हमेशा विचलित रहता है वो विचलित होना बंद हो जाएगा। संसार के अंदर जो ये चित्त घूमता है उसको शांत मिल जाएगा, घूमना बंद हो जाएगा संसार के अंदर जो इस लीला प्रसंग का आस्वादन करता है। और जो गोपिया प्रेम लक्षणा भक्ति में स्थित है, भक्ति के भी कई कई अंग है, हरि भक्ति विलास अंदर कर यदि बात की जाए तो प्रेम भक्ति विलक्षण की जहां पर बात है जिसमें गोपिया स्थित है और यही गोपियों का भाव है कि हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करना, अपने सुख के लिए कुछ काम किए ही नहीं गोपी अपने जीवन के अंदर, केवल प्रियतम को सुख देना, कृष्ण को सुख देना, क्या करूं कि कृष्ण सुखी हो जाए,
उस भाव से जो कृष्ण की सेवा में रहती है उस गोपियों के विषय में कहा है, और वो गोपियां खुद गाई है गोपी गीत के अंदर के पति सुतान वयं भातृ बांधव। गोपियां कहती है कि कितना तम सब सुखी भाव है, कितना भगवान को प्रसन्न करना है। जब भगवान की बंसी बजी, इनको बुलाया, तब गोपियां अपने पति बांधव संबंधी को सबको छोड़कर जिस वन में भगवान की मधुर बंसी बज रही थी वहां पर कृष्ण हम तुम्हारे लिए क्या करें कि तुम सुखी हो जाओ, उस भाव से कृष्ण सेवा में खड़ी रह गई। जब भगवान ने देखा कि गोपियां आई है और गोपियां का ये स्मरण, जब ये समर्पण देखा कृष्ण ने, तब भगवान के भी वाक्य रुके नहीं, भगवान भी बोल दिए कि हे ब्रज वधु, अब नर लीला में है अर्थात भगवान कह रहे कि हे ब्रज वधु, मैं देवताओं का आयुष्य लेकर भी तुम्हारा जो समर्पण है, तुम्हारा जो प्रेम है, उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता, तुम्हारे प्रेम का मैं ऋण चुका ही नहीं सकता। गोपियों के सामने भगवान भी विवश है, इसीलिए तो कहते ये गोपी जो है प्रेम की ध्वजा है। श्री कृष्ण कथा एक प्रेम का मंदिर है, उस प्रेम मंदिर की ध्वजा भागवत का दशम स्कंध की ये गोपियां है, जिसके अंदर एक साधक प्रवेश करता है। किसी भी मंदिर को देखो पहले ध्वजा दिखती है, ये ध्वजा कृष्ण कथा भागवत की कौन है, ब्रजवधू वनिता गोपियां है, जिसको प्रणाम करते कृष्ण, जिसको प्रणाम करने के बाद भागवत के अंदर रसिक लोग अपना मन अपना निवेश करते हैं। ये उन्नति सिद्ध हुई ओम नमो भगवते जी की उत्मत नए कुछ स्मरण चिंतन होता है, तो ऐसे भगवान भी गोपियों के प्रेम के ऋणी है। और श्रीपाद रूप गोस्वामी को याद करें तो भक्ति रसामु सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं और सभी लीलाएं साधक के मन को चित्त को मनोहर प्रेम आनंद प्रदान करने वाली है। भगवान की सभी लीला एक प्रकार है, जीव आत्मा को आनंद देने वाली है, लेकिन इस रास लीला की जो लीला है उस पर मैं क्या बोलूं। भगवान भी कहते हैं कि ये रास लीला और लीला का जब उतना को मारा त्रिणावत को मारा या गिरिराज गोवर्धन या दही मंथन जो भी लीला का स्मरण कर तू आनंद आता है, लेकिन भगवान कहते कि जब मैं इस रास लीला को याद करता हूं तब मैं भी चुप हो जाता हूं, मैं भी उस पर कुछ बोल नहीं पाता। ये रूप गोस्वामी ने लिखा है संति यद्यापि प्राजता लीलास्तव मनोहरम नहीं जाने स्मृत राशि मनोहित दिशे भवे। भगवान के शब्दों का आधार है कि मैं भी इस रास लीला के विषय में चिंतन कर सकता हूं, बोल नहीं पाता। तो ऐसी रासलीला के विषय में रूप गोस्वामी आगे अपनी कलम चलाते हुए कहते कि निवृत्ति परेश रास पंचायति व्यक्ति करिष्या। ये रासलीला का जो प्रसंग है इसके अंदर रंच मात्र भी एक बूंद मात्र भी रायना दाना जकली थे कोई काम नहीं बात, काम की गंध बिल्कुल नहीं इसमें है, क्योंकि ये रासलीला के अंदर सभी गोपियों का एक ही भाव है कि कृष्ण को प्रसन्न किया। और जहां पर कृष्ण को प्रसन्न करने की बात है वहां पर स्वसुख की कामना नहीं, कृष्ण प्रसन्न है। इसलिए ये पहले आपके सामने ये रासलीला को प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले रासलीला है क्या उसका कुछ आपको निवेशन मन को कराया, क्योंकि आप इस प्रसंग को अच्छा से समझ पाओ। अब सुखदेव गोस्वामी के जो शब्द है श्री पादरायणी उवाच कि भगवान अपि तारात्री शरद फुल्ल मल्लिका विश्वरंतु मनश्चक्रे योग माया मुप्राशित। भगवान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उस भगवान ने जब यमुना के पुलिन तट के ऊपर विचार विहार करते हुए जब भगवान ने देखा कि यमुना के किनारे सुंदर वन के अंदर शरद फुल्ल मल्लिका शरद ऋतु की उस रात्रियों को देखकर और उस यमुना के पुलिन तट पर जो वन है उस वन के वृक्षों पर कुछ चमेली के पुष्प जो खिले हैं और उस चमेली पुष्पों की जो खुशबू से भगवान के मन के अंदर भी विहार करने की इच्छा प्रकट हुई, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति को काम पर लगाया। आदेश तो देना पड़ेगा किसी को इच्छा पूर्ति हेतु, तब क्या किया भगवान ने, अपना वेणु वादन किया, वेणु बजाकर
गोपियों के पास संदेश भेजा है। लेकिन उससे पहले इस श्लोक के अंदर जो शब्द है भगवान अभी तारात्रि, कौन सी रात्रि? रात्रि तो कहीं कहीं ब्रज के अंदर होती थी, इस शरद पूर्णिमा की ये रात है क्या? क्या हुआ था उस रात्रि के दिन? क्यों भगवान इसी रात्रि को पसंद किए? उसके ऊपर आचार्यों ने अपने भावों को लिखा है। श्रीधर स्वामी पाद कहते कि तारात्रि कहने का भगवान का अर्थ है कि आज से एक साल पहले ये शरद पूर्णिमा जब भगवान के मन के अंदर ये लीला करने की इच्छा हुई, उससे ठीक एक साल पहले गोपियों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रज के अंदर कात्यायनी व्रत किया। ये जो लीला हुई उससे ठीक एक साल पहले की बात है, और उस एक साल लीला के अंदर में जब कात्यायनी व्रत की थी, सभी गोपियों का भाव एक ही था कि हे माँ कात्यायनी, हम पर कृपा करो कि नंद का जो पुत्र है पति के रूप में हमें प्राप्त हो। इसी भाव के अंदर ब्रज के अंदर गोपियां कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती थी। तो भगवान ने उस समय गोपियों को वहां पर कात्यायनी व्रत के समय यमुना किनारे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि हे ब्रज वधु हो, आपका जो ये मन की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी, आपका व्रत सुलभ है, आप अभी अपने अपने घर लौट जाओ, मतलब अपने अपने काम पर चले जाओ। भगवान के शब्दों ही गोपियों के लिए प्राण बन गए। कृष्ण ने बोला कि गोपियां तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, भगवान के ये वाक्य गोपियों के लिए प्राण थे, बस इसी के आधार पर जीवन चल रहा है। और उसी शब्दों की पूर्ति करने के लिए भगवान ने जो वचन दिया था कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ में विहार करूंगा, अभी आप अपने घर पर जाओ, तो तारात्रि मतलब उस एक साल पहले जो कृष्ण ने वचन दिया था उसको याद करते हुए गोपियों को जो प्रसन्न करने के लिए जो वचन दिया था उसको पूर्ति करने के लिए तारात्रि, यह रात्रि भगवान चॉइस कर रहे हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी तारात्रि के विषय पर लिख रहे हैं, पहले श्रीधर बोले, अब जीव गोस्वामी पाद कहते तारात्रि विषय। तारात्रि कहने का भाव एक तो समझ गया कात्यायनी व्रत, लेकिन चंद्रमा जो है पूर्ण अपनी कला से उदित हुआ है उस रात्रि के दिन, तो जिस तरह चंद्रमा अपनी चांदनी को फैला रहा है पूर्ण कला से युक्त होकर, उसी तरह भगवान भी गोपियों के अंदर वेणुवाद कर उस रस को भर रहे हैं। जैसे चंद्रमा सभी वनस्पति के अंदर रस को भरता है, उस चंद्रमा तार रात्रि उदित हुए हुए चंद्र को देखकर जी गोस्वामी पाद लिख रहे कि भगवान गोपियों के भीतर प्रेम रस को भर रहे हैं, यह है तार। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिख रहे तार रात्रि पर, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे कि तार रात्रि विक्षय मतलब उस रात्रि को जब भगवान ने देखा। ता शब्द मतलब कहीं रात्रि, एक रात्रि नहीं, वैसे दिख रही एक रात, लेकिन ता शब्द बहुवचन शब्द युक्त है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने सारा दर्शिना में लिखते हैं कि तार रात्रि कहने का भाव है भगवान का कि वह समस्त रात्रि, अब कौन सी रात्रि, तो आज से एक साल पहले जब चीरहरण हुआ था उस कात्यायनी व्रत के समय, गोपियां जो जल विहार कर रही थी और भगवान ने जब गोपियों के चीरहरण को कर लिया, आप इस अध्याय आप इसको 29वें अध्याय में पढ़ सकते हैं सब लीला, ये आपने आगे वाले अध्याय में जहां पर भगवान ने कात्यायनी व्रत के अंतर्गत जो लीला की थी वहीं का ही भाव है कि उस समय भगवान ने वस्त्र हरण करते हुए गोपियों को जो आशीर्वाद दिया था कि मैं आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा, तो उस समय से लेकर आज तक जितनी रात्रि इकट्ठा हुई है, एक साल की जो रात है मतलब प्रतिदिन की रात्रि, सभी को भगवान ने आज एक साथ उदित किया। दिखने में तो एक रात्रि है लेकिन वो समय कितना चलने वाला था, एक साल की जो रात्रि मतलब कितनी बड़ी होती है। अब यहां तक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखे कि रास लीला को भगवान ने योग माया के द्वारा इतना सुशोभित कर दिया था कि उस समय 100 करोड़ रात्रि एक साथ उदित हो गई। मांडो हिशा बोलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखे इस बात को, कितनी लंबी रात्रि होगी। और ब्रज के अंदर सभी को तो ऐसे लगे कि बस ये हुन जाएगी, ऐसे ही तुम्हारा क्यों छोड़ दो, नहीं ये भगवान है, इसीलिए तो गीता में कहे कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा दिव्य है सब कुछ, इसको समझने वाला नहीं आता तीसरी बार माँ के गर्भ में। 100 करोड़ रात्रि एक साथ भगवान ने उदित की थी, और शरद पूर्णिमा की वह रात्रि इतनी लंबी थी,
जिसको भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट किया था और उस इच्छा को उस रात्रि को देखते हुए भगवान के अंदर जो इच्छा लगी थी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति जो वेणु है उसको काम पर लगाया। तब भगवान की जब ये वेणु बजी, अब आइए थोड़े वेणु गीत में 29 में से 21 अध्याय में आइए, तुम्हारे बैठा बैठा आओ उत्साह ना हो पर स्मरण चिंतन में रह जो बस। जब भगवान की वेणु बजी तब वेणु गीत के अंदर गोपियां इस वेणु के विषय में कुछ बोली। भगवान की वेणु जब गोपियां ने सुनी तब जो गोपियां अपना काम कर रही थी अपना मन तो वैसे ही कृष्ण निवेश था, लेकिन जब गोपियों ने इस वेणुनाथ को सुना तब आपस में चर्चा करने लगी कि ये हमसे सुख तो इस वेणु को भगवान दे रहे हैं, हम तो यहां पर उसका चिंतन स्मरण करती है, सुबह जाते हैं गौचारण कर ले तब देखते हैं, रात को जब संध्या होती है तब वापिस आते, हम तो इतना ही दर्शन मिलता है, लेकिन ये वेणु कृष्ण के साथ 24 आवर्स रहने वाला है, यहां तक कि सोते समय भी भगवान इसको साथ में लेकर सोते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम तो भगवान इस वेणु से करते हैं। गोपियां क्या कर रही है, आपस में इस वेणु गीत के अंदर वेणु की एक रीति को तो कटाक्ष बात हो रही है, और भगवान की वेणु भी ऐसी थी कि ब्रज के सभी के मन को मोहित करती थी। नरसिंह मेहता ना भाव ने याद करिए तो वेणु ना नादमा घेलो वृंदावन ब्रजवासी सो जाए, भगवान ने कुकड़ा बोले कुकड़ो बोले रोक ठाकुर बोझू नव दी कुकड़ा तारी बोली मने नहीं, भगवान की वेणु थी ब्रजवासियों जागता था जो नरसिंह गायु से। तो उस ब्रज के अंदर गोपिया उस वेणु को याद करते हुए कहते कि वेणु इतना भाग्यशाली है और साथ रहने की बात तो छोड़ो, कृष्ण चंद्र हमेशा उसको अपने अधरामृत पर लगा कर रखते हैं, जो हमारा प्राण है हमारा रस है, लेकिन भगवान उस वेणु के अंदर प्रतिदिन अपने होठों से उसको चुंबन देते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, अपने होठों का रस वेणु को पिलाते हैं, कितना सुख मिलता होगा उस वेणु को। और वेणु की कटाक्ष करते हुए गोपियां तो यहां तक कहती है कि ये वेणु भगवान से अपनी सेवा करवा रहा है, एक दिन के लिए भगवान ने इसको स्पर्श क्या कर दिया, ये तो 24 के साथ कोई मंत्री के बोला तो पीछे गड्ढो जमा हुए, एक दिन के लिए क्या इसको वेणु हाथ में आ गए और भगवान के होठों को क्या इसने छू लिया, अब वहां से निकलती ही नहीं है, वहां पर ही रहती है, और इतनी ये बदमाश है कि भगवान को अपनी सेवा में लगा रही है। मानो भगवान वेणु को बजा रहे हैं तो भगवान के कर कमल को इसने बिस्तर बनाया, भगवान के हाथों पर तो ये सोती है महारानी मुरली महारानी, और यहां तक जाने दो भगवान के हाथों से अपनी चरण सेवा, भगवान जब उस बांसुरी को बजाते हैं तो कृष्ण मानो उस बांसुरी के पैर को दबा रहे हो, गोपियों का भाव है वेणु के विषय में, प्रेम कहां तक बुलाता है, प्रेम के कारण गोपियां वेणु की सराहना इस प्रकार कर रही है, यहां तक भी जाने दो, चलो हाथ में सो गई पैर भी दबा लिया, लेकिन ये मुरली महारानी की शोभा को देखो, कृष्ण स्वयं उसको पंखा दे रहे, कोई भूतों के भवा पे है, कैसे कृष्ण का जो घुंघराले बाल जो माता यशोदा खोल कर रखी है और हवा से ये घुंघराले बाल जब चलते रहते मानो वेणु का चरण चिन्ह भगवान दबा रहे और अलकावरी से उसकी उसको ये हवा दे रहे भगवान, क्या क्या वेणु की सराहना हो रही है, कितना भाग्यशाली वेणु है जो कृष्ण के पास है, लेकिन हम यहां पर उसकी बंसी को सुनकर बस हमसे अच्छा तो उस वेणु का भाग है। अब ये वेणु भी भगवान की सखी है, कोई अलग नहीं है, ऐसे है बंसी, लेकिन अब ब्रह्म संहिता याद करें कृष्ण प्रिय सखी बंसी, अंतिम वाले में श्लोक में जो है नाट्यम गान्यम प्रिय सखी बंसी, ये बंसी भी भगवान की एक सखी है। तो इस प्रकार गोपिया उस वेणु के विषय में कटाक्ष भरी बातें करती है, तब वेणु भी कुछ सामने बोलता है, ये तो ब्रज है यहां पर आया माणा नहीं बोलता नहीं, बद्दा बोले पाणा है बोले ब्रज नहीं अंदर राधे राधे, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधे श्री राधे, आया बोला उपड़े माथे बंदूर के बोल तो ये विचार करे हूं बोलवा वो ब्रज है सब चिन्मय है चिंता मणि धाम श्री वृंदावन, उस वृंदावन के अंदर मुरली बोल रहे कि गोपिया तुम कब से मुझे सुना रही हो लेकिन तुम मेरे अस्तित्व को नहीं जानती, कृष्ण को पाना है तो पहले अपने आप को तपस्या में लगाना पड़ेगा, हम बांस के यहां जन्म लिए और बांस पूरी सर्दी गर्मी कोई भी ऋतु हो एम नाम तुम्हारा उभु है कोई नहीं पाए हम कहने छतरी लाइन उभर नहीं, तपस्या कितनी हमारी है
और इतनी बात तो जाने दो, हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर छेद होता है तब इसमें से सुर निकलते हैं। हमारी इतनी तपस्या है इसके कारण तो कृष्ण हमें पास में रखते हैं। मतलब यहां पर एक संकेत साधक को मिल रहा है कि दामोदर मास के अंदर व्यक्ति को, साधक को चाहिए कि तपस्या का आश्रय है यदि कृष्ण के पास पहुंचना। मुरली महारानी बोल रहे कि हम अपने आप को छेदन करवाती है, और जब हमें देखूंगी कि हे गोपिया तुम भी कृष्ण के लिए अपने आप को तपस्या में डाली हो, तब मैं सामने से हट जाऊंगी और मैं ही तुम्हें कृष्ण के पास लेकर जाऊंगी। अभी आप कहती हो कि मैं कृष्ण के पास रहती हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि जब मैं देखूंगी कि तुम्हारा जीवन भी तपस्या युक्त है, तुम भी कृष्ण के लिए तड़प रही हो, तब स्वयं मैं तुम्हारी कृष्ण के साथ मुलाकात कर रही हूं। और उसी को संकेत यहां पर मिल रहा है कि भगवान अपिता रात्रि, भगवान यहां पर वेणु के द्वारा, जिस वेणु की गोपियां इतनी कटाक्ष भरी बातें कर रही थी, वही वेणु आज गोपियों को कृष्ण के साथ मिलाने वाला है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा उस वन के अंदर गोपियों को बुलाने के लिए, तब भगवान की ये बांसुरी ब्रज के अंदर सभी को नहीं सुनाई दी। जो प्रियतम भाव में जो गोपी स्थित थी, जो माधुर्य भाव वाली गोपी थी, उसी के कान में ये बंसी ध्वनि गई जो भगवान बजा रहे। होलसेल वाला काम मत दो, सिलेक्टेड पर्सन। और ये बंसी भी इस तरह सुनाई दे रही थी कि मानो कहे जा रहे हैं कि जिस गोपी ने ये बंसी सुनी, कोई ने किधा अगर एकली धालवा मने। बंसी ऐसा नहीं थी कि एक गोपी को, असंख्य गोपी को ये बंसी सुनाई दी थी, लेकिन सभी गोपियों को ऐसे ही लगे कि केवल मुझे बुला रहे, केवल मुझे बुला रहे। एक बीजन तालू खटखड़ा वगैरह सीधी हालवाज मंडी, कोई ने कहीं किदा हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तब कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद के, एक दूसरे को नहीं बताया गोपियों ने, उसके पीछे का भाव है कि ब्रज गोपियों के अंदर परस्पर ये भाव ना आ जाए कि तने बोलाई आऊ करवा एटली बधी हूं भेगी करी। ये भाव गोपियों के अंदर, अपनी गुजराती तुमने कीधी संस्कृत ना शब्द इजी कर दीदा, सब पत्नी भावन गोपियों ने अंदर भाव नो आवी जाए कि अटला बदन भेगा हूं कम गिर खाली मैंने एक ने बोला एम लागू जी ने पोगे दली मारी सीवे कोई नहीं मूड में जानी थी। इसीलिए बंसी केवल उसी गोपी को, एक को ही सुनाई थी, और जिसको सुनाई थी अपने आप कृष्ण की ओर, जहां से ये ध्वनि निकल रही थी उसकी ओर, उस दिशा की ओर ये चल गई गोपी। अब देखो इसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे कि निशम्य गीत तरत गर्व वंदन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहितम मानसा। जब भगवान की ये वेणु चली, ये बंसी चली, तब गोपियां अपने कुछ काम में लगी थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ अपने बंधु बांधो की सेवा में थी, कुछ पतियों को भोजन करा रही थी, कुछ स्वयं भोजन कर रही थी, कुछ घर के कई कई जो होते हैं काम, उस तरह सभी गोपियां कृष्ण गृहित मानसा ब्रज स्त्रिया, सभी गोपियां अपने अपने कामों में लगी थी, लेकिन तिस पर भी कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर सभी को छोड़कर, जिसको आगे गोपी गीत में कि पति बांधव सबको छोड़कर कृष्ण की ओर जा रही है, और कृष्ण की ओर जाते हुए हमारे लोक गीत में है ना कि जो ने गोपी दौड़ी जाए ने रास रम वा, शरीर नु कह भान नहीं हाथ ना तुम्हारे कान माने कान ना हाथ ना, ज्यादा कोई आभूषण नहीं कोई चर्चा नहीं, खबर नहीं हूं पैर कहीं पान में, केवल कृष्ण को मिलने के लिए गोपियां जा रही है। और सभी गोपियों के मन के अंदर एक ही बात है कि ओ श्याम रे माधम राते मोर ली वगाड़ी मन नींदर थी जगाड़ी मन माया ते लगाड़ी। उस बंसी को सुनकर भगवान की ओर गोपियां भागी जा रही है, लेकिन उस गोपियों के इस दशा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की सभा में गा रहे हैं कि गोपियों की स्थिति क्या थी। तावार्ष माणपति भी पितृ भी भ्रांतु बंधु। अब देखो घर के अंदर से जब गोपियां जा रही है, रात्रि का समय है, तब कोई तो रोकने वाला होगा, किसी गोपी को उसके पति ने रोका लेकिन नहीं रुकी, किसी को भाई ने रोका नहीं रोकी, कोई संबंधी रोक रहे नहीं, किसी से गोपी रोक नहीं रही है, बस जा रही है। कोई कहता है कहां जा रहे हो, आज पछिया घर में आवी बीजी न्याकन गोपियों निकलेगी, इतना समर्पण, आज के बाद नहीं आऊंगी कहकर गोपियां जा रहे, पति से
भाइयों से, संबंधियों से, सबके साथ नाता तोड़कर जा रही है। और कुछ गोपियां ऐसी थी जो उत्तर नती आती एक थी एने पकड़ी रखवा मारी, नहीं जावा दी, नहीं जावा दी। तो कृष्ण प्रेम की विरह अग्नि उस गोपी के चित्त के अंदर ऐसी लगी जिसको जाने को नहीं मिला, सामने ही सामने देखते देखते शरीर के अंदर अग्नि लगाकर भस्म कर दिया। प्रेम विरह इतना था, कृष्ण प्रसन्न करने के लिए जाना था, लेकिन नहीं जान रहे परिवार वाले, तो अपने आप को वहां पर ही भस्म कर दिया। अब इस बात को भ्रमर गीत के अंदर कृष्णचंद्र ने गाया कि ऐसा कैसा है, भगवान एक तो सामने से बुला रहे हैं, भगवान को पता था उसके संबंधी नहीं आने वाले हैं, मतलब उस गोपी अपने प्राण को त्याग देगी तो उसको बंसी नहीं सुनानी देनी चाहिए, भगवान को सब जानते हैं, लेकिन क्यों फिर भी उसको सुनाई दी। कृष्ण को पता था कि ये आएगी, इसको इसको रोकने में आएगा या इसको नहीं निकलने देंगे, लेकिन फिर भी उसके प्राण वहां पर क्यों गए। तब भ्रमर गीत के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जो गोपियां अपने अपने संबंधियों के सामने मुझ तक पहुंची नहीं, लेकिन शरीर में के अंदर प्रेम के कारण अग्नि लग गई, उस अग्नि से मानो प्राण चले गए, वो सबसे पहले मेरे पास पहुंची, क्योंकि सभी के लिए परमात्मा आत्मा कृष्ण ही है। प्रेम की सर्वोत्तर रस वहां पर प्रकट हो गया। कृष्ण स्मरण में प्रेम अग्नि से जो जल रही है वो कैसे कृष्ण तक नहीं पहुंचेगी। उस गोपिया तो अभी चल के जा रही थी, ये तो वहां से सीधे कृष्ण निवेश हो गए। भगवान स्वयं इस बात को कहे, कहां पर? भ्रमर गीत के सामने। तो इस तरह भगवान के सामने सभी गोपियां जा रही है, लेकिन इस रास लीला का सर्वस्व रहस्य प्रसंग को उज्जवल नीलमणि के अंदर रूप गोस्वामी ने गाया कि अब ये कैसी समाज के अंदर भ्रांति है कि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े धर्म संस्थापना वाले जो युग के अंदर प्रकट हुए हैं, वो किसी अन्य स्त्री को क्यों वन के अंदर बुला रहे। रासलीला हृदय के अंदर से सभी रोगों को मुक्त करकर कृष्ण चरण तक पहुंचाने वाली लीला है, लेकिन फिर भी इतना सुनने पर भी यदि हृदय के अंदर थोड़ी भी यदि रंच मात्र भी कुछ अपना ये मन नहीं मान रहा है, तो उज्जवल नीलमणि में चले, जहां पर रूप गोस्वामी ने लिखा है कि माया कल्पिता स्त्री शिले नानु शूत्र भी न जातु रजत देवी ना पति भी ससम। ये जो गोपिया है कृष्ण की अपनी अंतरंगा शक्ति है, और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति कृष्ण के सिवा किसी की हो नहीं सकती, लेकिन योग माया के द्वारा ब्रज के अंदर उस सभी स्त्रियों की कल्पित माया द्वारा एक मूर्ति बनाकर अन्य गोपों के साथ विवाह कराया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान राम दंडकारण्य में थे, जब रावण सीता का हरण करने आया, तब क्या हुआ था? असुर जैसा कोई सीता माता को भक्ति है, कैसे प्रवेश, किसको उसको छुपाए? लेकिन रावण जिस सीता को लेकर गया था वो तो अग्नि के द्वारा निकली हुई माया सीता को लेकर गया था, जिसको अग्नि परीक्षा बाद जब रावण वध होने के बाद वापिस मिला। तो यहां पर भी उसी तरह समझना होगा कि भगवान ने जिस स्त्रियों को बुलाया वो अपनी अंतर्गत शक्ति, अपनी जो पहले से थी उनको बुलाया। और यहां पर कहने की बात है कि जिसके साथ वो रहती थी, न जातु व्रज देवी ना पति भी ससंगम, जो स्त्रियों के साथ, जो पतियों के साथ रहती थी, भगवान की योग माया द्वारा उनके द्वारा इतना उनके शरीर को प्रेरित किया हुआ था कि उस गोपियों को उनके पतियों ने आज तक छुआ भी नहीं था। ये उज्जवल नीलमणि का भाव है रूप गोस्वामी। तो ऐसी ब्रज वधुओं को भगवान ने गोपियों के ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर बुलाया, और ये गोपियां भी पद्म पुराण कहता है कि चार प्रकार का वर्गीकरण है गोपियों के भीतर, एक है श्रुतिगरी गोपी, एक है श्रुचिचारी, गोपकन्या और देवकन्या। अब ये थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आपके विषय के लिए गोपियों के भी कई प्रकार है, कौन कौन गोपी है। दंडकारण्य के अंदर जो ऋषि थे, जब भगवान राम चल रहे थे, जब भगवान राम की शोभा को देखकर सभी ऋषि मुनि उस कृष्ण उस राम छटा के अंदर लालायित हो गए, और वह इस अवतार में गोपी भाव को प्राप्त हुए जो ऋषिचरी गोपी के अंतर्गत आते हैं। एक है श्रुतिचारी, जो साधन सिद्ध है, मूर्तिमान वेद जो है, शास्त्र जो है, वो भी कृष्ण के शब्दों को, कृष्ण की जो भी वर्णन है उसको सुनकर कृष्ण के ओर आकर्षित हो गए, वो वेद मूर्ति भी गोपी का रूप लेकर श्रुतिचारी रूपी में आई है। और एक है गोपकन्या, जो गोप वृंदावन के अंदर गोप जनों की जो पुत्रिया है। और एक है देवकन्या, भगवान की लीला सहाय के लिए, जैसे ये पृथ्वी माता जब
गाय का रूप लेकर गई कृष्ण के पास, तब भगवान ने कहा था मैं अवतार लूंगा, लेकिन तब उसी समय कहा था कि मैं अवतार लेने वाला हूं, मेरी लीला सहाय के लिए ब्रज के अंदर सभी लोग पहले से अवतार ले लें। तो ये देव कन्या जो है पहले से भगवान की लीला सहाय के लिए जो ब्रज वृंदावन में गोपी रूप में रह रही थी, इस गोपियों को भगवान ने उस शरद पूर्णिमा रात्रि के दिन अपने पास बुलाया था। अब ये सभी गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास आकर जब खड़ी रही, तब देखो ये कृष्ण क्या कहते, स्वागतम महाभाग। सभी गोपियों का प्रेम से स्वागत करते हुए कहते कि मैं आपके लिए क्या करूं, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी आपको एक बात कहता हूं कि आप देखने में सुंदर हो, सुशील घर की रखती हो, आपको इस तरह इस भयानक रात्रि के समय वन के अंदर आना शोभा नहीं देता। अब एक खुद तो बुला रहे हैं और खुद ऐसा बोल रहे हैं। आप लोगों का काम है, स्त्रियों का काम है कि घर को संभालना, पतियों की सेवा करना, बच्चे का ध्यान रखना, बूढ़े इत्यादि माँ बाप उनकी सेवा करना, उन सबको छोड़कर तुम इस रात्रि के समय वन में क्या कर रही हो, क्यों वन में घूम रही हो? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन गोपिया भी गोपिया सबको छोड़ने के बाद जो कृष्ण के सामने आई है, वो कहते कि तुम कहते हो श्याम सुंदर हम हमारे घर पर लौट जाएंगे, अवश्य लौट जाएंगी, लेकिन तुमने हमारे मन को जो तुम्हारे पास रखा है उस मन को हमें दे दो, उसको लेकर जाएगी, बिना मन के घर में जाकर काम कैसे करेगी, मन तो तुमने पहले से चुरा कर रखा है। तो हे कृष्ण, तुम यदि हमें हमारे घर पर जाना भेजना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे उस मन को हमें दे जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ रहता है, बिना मन के घर में रहने पर भी मन है नहीं तो काम में भी कुछ मन लगेगा। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सभी को छोड़कर कृष्ण को प्रसन्न करना, यह गोपियों का भाव है। और भगवान ने जब देखा कि गोपियां इतनी प्रसन्न है, इतनी खुले आम से आई है, तब भगवान ने उस गोपियों को प्रसन्न करने के लिए जो पहले वचन दिया था, उस वचन की पूर्ति के लिए भगवान ने गोपियों के साथ उसी शरद पूर्णिमा के दिन जो कल परसों आ रही है, भगवान ने रास लीला की। और रास लीला करते हुए सभी गोपियों के साथ एक एक कान ने एक एक गोपी, सबको यही लग रहा था कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ नाच रहे, मेरे साथ खेल रहे है। बाजू में दूसरी गोपी, उसके साथ भी कृष्ण, लेकिन सबको योग माया के द्वारा इतना ही भ्रम था कि भगवान सभी को छोड़कर मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। और जहां पर अभिमान होता है कृष्ण वहां पर रहते हैं। यदि साधक हम है, हमारे अंदर भी अभिमान हो गया कि इतनी माला करते, इतनी सेवा करते, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छा हम करते हैं, अभिमान आने पर भगवान रहते, सेवा चली जाएगी। सेवा के कारण मन निर्मल होता है, मन शांत होता है, हम अपने आप को निम्न मानते हैं, लोगों को हम आदर देते हैं। लेकिन ये भाव जब नहीं रहेगा और अहंकार रहेगा कि मैं करता हूं, तब तो ये ऐसा ही होगा कि गाड़ा हेटे कुतरू वाले बिचारो बड़ा टूटते नहीं होते हूं खेच, बस उसी तरह का भाव हो जाएगा साधक का। पर यहां पर गोपियां उसी भाव में कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ ही नाच रहे। जब भगवान ने देखा कि उस गोपिया, अब साधारण साधक के अंदर भी अभिमान भगवान को पसंद नहीं है, तो जो गोपिया जो आगे चलकर प्रेम ध्वजा है उनके अंदर भगवान रंच मात्र भी अभिमान कैसे रहने देंगे। सभी गोपी को छोड़कर भगवान अंतर दिया। सभी गोपियां ने जब देखा कि रास बंद हो गया, कृष्ण कहां गए किसी को पता नहीं, तब गोपियों ने कृष्ण को याद करते हुए श्री गोपिया उचू जयती ते दिगम जन्मना भजम, उस गोपी गीत का आस्वादन किया। गोपी गीत का आस्वादन करते हुए खुद कृष्णमय हो गई। एक गोपी पूतना बन रही है, क्रीड़ावत बन रही है, अलग अलग भगवान की जो लीला की, उस लीला का स्मरण चिंतन करते हुए खुद कृष्ण आवेश हो गई। जो गोपी गीत का मूल भाव है, उस गोपी गीत को गाते हुए सभी गोपियां भगवान को खोज रही है। जब भगवान ने देखा कि गोपियों अभी निराभिमान हो गए, तब भगवान पुनः उस गोपियों के सामने प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उस शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी की एक रात्रि, कितनी लंबी आप भागवत के पहले स्कंद में देख लो, उतने समय तक गोपियों को भगवान ने रास बना। क्या लगे रमैया, पहले तो 100 करोड़ लिखा विश्वनाथ ने, लेकिन यहां पर लिख रहे सुखदेव ब्रह्मा जी की एक रात्रि। अभी कल्प कितना युगावतर भैया जाए, इतनी बड़ी रात भगवान ने की, उन सभी गोपियों को इतना आनंद दिया भगवान ने। ये थी भगवान की रासलीला। और ये रासलीला सुनने पर व्यक्ति काम में से निवृत्त हो जाएगा, जिसका आशीर्वाद
सुखदेव पहले दे चुके हैं। तो इस शरद पूर्णिमा के दिन सबसे प्रिय भगवान को प्रसन्न करने वाला श्री दामोदर मास भी प्रारंभ हो रहा है, और दामोदर मास के अंदर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम बनाना चाहिए। कहीं कहीं महिमा है दामोदर मास की, पद्म पुराण में पूरा अध्याय भरा हुआ है जिसके अंदर कहते हैं कि इस दामोदर मास के अंदर यदि इस कार्तिक मास में कोई थोड़ा भी भागवत कथा को सुनता है या भागवत कथा को बोलता है या भागवत कथा को देखता है तो जो श्लोक है वो श्लोक उसके लिए 100 गाय में दान करो टू फल श्लोक अपम खाली जो ये भागवत महात्म है। और किसी भी तीर्थ स्थान के अंदर स्नान करो, स्नान कर वहां पर कुछ दान दक्षिणा दो, इससे कहीं दुना फल हरिनाम जपने पर मिलता है इस मास के अंदर। और प्रतिदिन विष्णु मंदिर के अंदर या तीर्थ स्थानों में या राधा दामोदर या यशोदा दामोदर जिनको भी ये दीपक दिखाने से पुनः जन्म मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता, ये दीपदान की महिमा पद्म पुराण के अंदर कहीं कहीं प्रसंग है। तो आज इस साल का ये अंतिम ये आज का सत्संग है, बाकी नवा वर्षे पाछा मळशु। इस साल का अंतिम आज का जो हमारा सत्संग है, और कल और परसों से ये दीपदान भी चालू हो रहा है जहां पर प्रतिदिन एक महीना भगवान श्री कृष्ण को दामोदर अष्टकम गाते हुए प्रेम से वहां पर उसको दीप दिखाया जाता है। तो उसी उत्सव को हम 10 मिनट के लिए करेंगे, सभी भक्तों को दीप दिया जाएगा। आपको भगवान को दिखाना है, संत सीताराम जी बाबा सीताराम को दिखाते हुए अपने के आरती करिए उस तरह उस मूड में। आज हम अंतिम प्रोग्राम भगवान की आरती उतार कर या दीप दिखाकर आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो सभी लोग साथ में इस दामोदर अष्टकम को गाएंगे, दामोदर अष्टकम गाते हुए माता प्रभु जी सब मिलकर दीपदान करेंगे, यही आज का इस प्रोग्राम का लक्ष्य था। और बाकी रासलीला अनंत है, अनंत संतों ने गाया है। अब भगवान भी बोलते हैं कि रासलीला विषय में मैं भी कुछ नहीं बोल पाता, अब जीव का क्या साहस, लेकिन गुरु के शब्दों को याद करते हुए कुछ इस पर चिंतन स्मरण करने का प्रयास किया। भगवान श्री भागवत भगवान से प्रार्थना है कि यदि कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें और हमें भी उस रासलीला में कहीं ना कहीं प्रवेश दिलाए। इस भाव से आइए महामंत्र से दीपदान को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता में गाशो कोई तो दृष्टि को नहीं ग्रुप में नहीं दासन दस में आया होगा, आजू बाजू में तुम्हारे जोई ने करी होगी। करदा होगा देखो तो जी मृदंग होगा मृदंग वगैरह जी मृदंग नमामिश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियोलोकलनवमानं परामृष्टमात्यन्ततुद्रुतगोप्या। चालू कर सकते हो दीपदान, સાથે જ ગાવી છે પણ તમે આપવા માંડજો છે આવે ને। રુદંત મુહુ નેત્ર યુગ્મ મૃજંતમ કરાંભોજ યુગ્મેન સાતોક નેત્રમ મુહુ શ્વાસકમ પત્રી રેખાત કંઠ સ્મિત દ્રેવ દામોદર ભક્તિ પ્રધમ ઇતિ દ્વક્ષ લીલાભિ रानंद कुंडे स्वघोष निभाजंतम मख्यापयंतम तदीय शीतादेशो भक्ति जितत्वम पुनः प्रेम सशता प्रीति बंधे परम देव मोक्षम न मोक्षम वधीवा न जान्य वीणेहा
इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनास्यामि रास्तातिं मे इदं ते मुखाम्भोज मध्यन्तलीरे वृत्तकुन्तले सिक्त रक्तेश गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्तं धरामे मनस्य विरास्तमल्लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाति मग्ना कृपा दृष्टि दृष्टांति दीनं बतानु गृहाणेश मामिज्ञ दिशि दृश्य कुबेरात्मजो वद्य त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृत तथा प्रेम भक्ति